सबसे पहले आप सभी लोगों को हैप्पी होली, सभी को होली बहुत बहुत मुबारक हो और होली के रंगों की तरह आपके जीवन में रंग खिले रहे। ये मैं वीडियो बना रहा हूँ होली और शराब और लीवर को लेके। इस वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आप सोच रहे हैं कि हम एक दो पैग लगाएंगे या कल को शराब पियेंगे तो आपको क्या करना है, ठीक है। जनरली आप देखेंगे शराब पीना गलत है, मतलब गलत का मतलब कि हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक है। तो यहाँ पे मैं बताऊंगा आप क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले होली में अधिकतर हम देखते हैं आज के समय में शराब ज्यादा पी जाती है। आज की जो युवा जनरेशन है वो भी बहुत शराब पीती है। जो समझदार व्यक्ति हैं वो अपनी एक हाफ लाते हैं, क्वार्टर लाते हैं, या फिर वो अपने घर में एक दो पैग मारे और आराम से सो गए, थोड़ा बहुत रंग खेल के सो गए हैं। एक होते हैं कि जिनको पूरे दिन शोर शराबा करना है, घूमना है, फिरना है, दोस्तों के साथ खेलना है, एक वो कैटेगरी वाले होते हैं जो कि अभी अनमेच्योर है, राइट। तो जो मेच्योर व्यक्ति है वो अपना एक दो पैग लगाएगा और सो जाएगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है, यहाँ पे मैं कोई अल्कोहल को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आप कोई भी ब्रांड पीते हैं उसको एक ही बना के रखिए। ऐसा नहीं करना कि आपने अपने पास जो है रॉयल स्टैग पी ली या फिर किसी दूसरे के पास जाके आपने कोई दूसरे ब्रांड पी ली, तो उसको मिक्स करके नहीं पीना है। जो भी आपने पीना है एक ही ब्रांड पीनी है, पहले आपने इस पर ध्यान देना है। क्यों मैं आपको बता रहा हूँ ये मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। सेकेंड जो आपने यूज करना है, जैसे आप कोई स्ट्रांग चीजें यूज मत कीजिए, जैसे आप जैसे गुंजिया है, फिर और बहुत मीठी मीठी चीजें हैं, उनको शराब के साथ इस्तेमाल मत कीजिए। बहुत ज्यादा वो नुकसान देती है, आपकी बॉडी में फैट जा रही है और डबल क्वांटिटी में जा रही है अगर आप उसको यूज करेंगे। साथ में जो तेल भी जा रहा है, जो ऑयली चीजें हैं ये भी जा रही हैं, ये भी नुकसानदायक रहेंगे। इनसे ज्यादा गैस भी बनती है, शराब के साथ मिलकर और ज्यादा नुकसान देती है। जो लोग शराब के साथ मीट खाते हैं वो सबसे ज्यादा नुकसानदायक होता है, उनको अगले दिन पेट के अंदर बहुत सारी समस्याएं होती हैं। मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हैं जो लोग शराब के साथ मीट खाते हैं और उनको अगले दिन समस्या बनती बनती है, मोस्टली केस में ऐसे देखने को मिलता है। तो आपको शराब पीनी है तो कम मात्रा में पीजिए, एक ही ब्रांड की पीजिए, और कोशिश कीजिए उसको आप जैसे हल्की सी आप दही ले लीजिए उसके साथ आप ले सकते हैं, वो आपको ऐसे नुकसान नहीं देगी। अगर अमूमन हम देखते हैं क्योंकि आप शराब भी पी रहे हैं, बहुत स्ट्रांग है, बहुत नुकसान देगी, तो आप थोड़ी सी दही ले लीजिए, उसमें थोड़ी सी आप बूंदी डाल लीजिए, उसके साथ आप ले सकते हैं, सलाद के साथ आप पीजिए। उससे क्या होगा कि आपकी बॉडी के अंदर जाके कोई भी ऐसी समस्या नहीं बढ़ेगी जो कि और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं कि आपने शराब पी ली, ऊपर से आपने बियर पी ली, शराब पी ली, फिर हमने दूसरे ब्रांड की शराब पी ली, शराब पी ली और हमने साथ में गुंजिया भी खा ली और बहुत सारी स्ट्रॉन्ग चीजें खा ली और शराब के साथ हमने मीट खा लिया, तो ये बहुत सारी चीजें नुकसान देती हैं। ज्यादा घूमिए मत, क्योंकि आप देखेंगे शराब जो है पैसे की भी बर्बादी करता है, हमारे घर में लड़ाई झगड़े भी करवाता है, हमारी हेल्थ पे भी असर डालता है, लीवर भी फैटी करता है, अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज हो जाता है। तो लीवर के अंदर और भी बहुत सारी समस्याएं होनी शुरू हो जाती है अगर आप कंटिन्यू में उसको सेव, अगर आपने एक दो बार साल में एक दो बार पैग मार लिए, दो तीन पैग मार लिए, कोई ऐसी समस्या आपको नहीं, ठीक है। तो बस इतनी सी चीजें हैं जो कि आपको ध्यान देनी है। और शराब अगर आप पी भी लेते हैं थोड़ी, अगर लगता है कि भाई ज्यादा हो गई है और आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी, तो हाथ डाल के आप उल्टी कर दीजिए तो ज्यादा बेटर सोल्यूशन है। उल्टी करने में कोई बुराई नहीं है, घर में आके उल्टी कीजिए, किसी के दोस्त के घर जाके उल्टी मत कीजिए या कहीं बाहर उल्टी मत कीजिए, ठीक है। अगर आपको लगता है भाई नशा बहुत ज्यादा हो चुका है तो अपने घर आके चुपचाप सो जाइए, ज्यादा इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है, ना ही शराब पी का आपको ड्राइव करनी है, ठीक है। बस इन चीजों का आपने ध्यान रखना है और इस वीडियो को आपको शेयर करना है। लीवर के अंदर चल रही समस्याओं में और वीडियोज आप मेरे देख सकते हैं, मैंने बहुत सारे एक्सेट्रा में वीडियोज बनाए हुए लीवर की हेल्थ के। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए क्योंकि कल को होली है और होली रंगों का त्योहार है, इसको नशे के साथ मत जोड़िए। थैंक यू, नमस्कार।